तो आज हम लोग इको में थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है डिमांड। डिमांड के बारे में हमने अभी तक टोटल टॉपिक जो है वो ये देख लिए, जिसमें डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाले सब फैक्टर्स हमने देखे, डिमांड का लॉ देखा, और आखिरी एक पॉइंट कल जो देख रहे थे ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग देख रहे थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स वो कहलाता है कि कोई भी फैक्टर्स में चेंज होने पर डिमांड में कितनी लेवल तक, कितनी हद तक, कितनी एक्सटेंट तक चेंज हो रहा है, उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सही बात कि नहीं? डिमांड के ऊपर अलग अलग चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं ना, जैसे सबसे पहले प्राइस इफ़ेक्ट करता है, इसके अलावा कंज्यूमर की इनकम इफ़ेक्ट करती है, टेस्ट और प्रेफरेंस इफ़ेक्ट करता है, अदर थिंग्स जैसे कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इफ़ेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें वो डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। कि अगर इन चीज़ों में बदलाव आता है तो डिमांड भी बदलती है। मेन होता है प्राइस, प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड भी चेंज होती है ना, इसके अलावा कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो भी डिमांड चेंज होती है ना। तो कोई भी चीज़ में चेंज होने पर डिमांड में कितनी हद तक चेंज होता है, उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जिसमें कल जो हमने एक टॉपिक देखा था ना, वो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका मतलब कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कितनी हद तक चेंज हो रहा है, उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कितनी हद तक चेंज हो रहा है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके हमने अलग अलग डिग्रीज, अलग अलग टाइप भी देखा था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी प्राइस इलास्टिक, ताकि नहीं, ये सब टाइप्स हमने देखे थे ना। इसके अलावा रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये पांच टाइप हमने देखे थे। आज हम लोग उसी का ही, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दूसरा टाइप देखें, जो सेकेंड टाइप आता है, जिसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या कहलाता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें मेन पॉइंट क्या आता है? इनकम। इसका मतलब ये कहते हैं कि इनकम में चेंज होने पर डिमांड में कितनी हद तक चेंज होता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जो नॉर्मल मीनिंग ये बताता है कि इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड बिकॉज ऑफ अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या कहते हैं? एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड, कोई भी गुड्स के लिए डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, कितने एक्सटेंट, कितनी हद तक, बिकॉज ऑफ अ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर की अगर इनकम बदले तो चीज़ों की डिमांड में कितना फ़र्क आता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसके बारे में भी हमने आगे ये बात समझी थी कि ये चीज़ भी डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। करती तो है ना, ये तो सही बात है ना, कि अगर कंज्यूमर की इनकम बदलेगी तो डिमांड बदलेगी ना, बराबर ना। ऐसा होता है जनरली कि अगर कंज्यूमर की इनकम बदल रही है, समझो इनकम बढ़ रही है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर क्या करेगा? अभी इनकम बढ़ी तो उसे सेविंग नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, और अगर ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा मतलब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि इनकम भी डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो कितनी हद तक इफ़ेक्ट करती है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जिसकी फार्मूला ये बना सकते हैं कि प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। और इसके हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 डिग्रीज आते हैं, सॉरी 3 डिग्रीज आती है इसकी, हाँ 3 डिग्रीज, मतलब 3 टाइप डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनमें 3 टाइप आते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सबसे पहले समझे पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है, मतलब वो कंडीशन, ये वो कंडीशन कहलाए कि जिसमें इनकम अगर बढ़े ना तो सामने डिमांड भी बढ़ती हो,
दोनों चीज़ें सेम रहती हो तो उसे पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब सेम ही हुआ ना वो, कि अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़नी चाहिए, अगर इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम होनी चाहिए। इस सिचुएशन को पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अरे बात समझ में क्लियर ना? तो इस पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड के फिर ये तीन टाइप आते हैं। ओके, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड के ये थ्री टाइप्स आते हैं, ध्यान रखना। ये सबसे पहला टाइप आता है, वो आता है यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड। पॉजिटिव के अंदर ही कौन सा? यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड। यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड वो कहलाता है, ध्यान से सुनना, ये वो कहलाता है कि इनकम, जितनी इनकम बढ़े ना उसके कंपैरिजन में जब डिमांड भी उतनी ही बढ़ती हो, डिमांड भी सेम बढ़ती हो, तो उसे यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ओके, तो जैसे पॉजिटिव का ही है ना, पॉजिटिव का मतलब हमने समझा, इनकम बढ़े तो डिमांड भी बढ़नी चाहिए। तो समझो इनकम 10% अगर बढ़ती हो तो डिमांड भी 10% बढ़ती हो। इनकम अगर 10% बढ़े तो डिमांड भी 10% बढ़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड। छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन ध्यान से समझना, इनकम जितनी बढ़े डिमांड भी उतनी ही बढ़ती हो, सेम हो दोनों, तो यूनिट। इसका आंसर, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमेशा क्या गिनी जाएगी? 1, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी ही डिमांड भी बढ़ेगी। ओके, उसके बाद दूसरा टाइप आता है जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, इसका मींस क्या? तो ये भी नाम से पता चलता है कि जब जनरली जितनी इनकम बढ़ती हो ना उसके कंपैरिजन में उसकी डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ती हो, मतलब कोई पर्सन की इनकम अगर 10% बढ़ती है तो फिर सामने चीज़ों की डिमांड 10 नहीं लेकिन उससे ज़्यादा 20 या 30% बढ़ जाती हो, तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी। समझ रहा? और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या कहलाती है? ग्रेटर देन 1। 1 से ज़्यादा ही होगी, मतलब इनकम से हमेशा डिमांड ज़्यादा होगी। इनकम जितने परसेंटेज होगा डिमांड के परसेंटेज उससे ज़्यादा होंगे, सही बात है। और उसके बाद तीसरा टाइप आता है पॉजिटिव के अंदर ही तीसरा टाइप आता है जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी। तो ये भी नाम से पता चलता है ना, लेस देन यूनिटी, मतलब ऐसी सिचुएशन कि जिसके अंदर जितनी इनकम बढ़ती हो ना उसके कंपैरिजन में डिमांड उतनी कम बढ़ती हो। मीन्स ऐसा कि जिसमें अगर इनकम किसी की 10% बढ़ी लेकिन उसके सामने डिमांड सिर्फ 7% बढ़ी। बढ़ेगी तो दोनों ही क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके टाइप है ना। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और इनकम अगर कम हुई तो डिमांड भी कम होगी। लेकिन जिसमें इनकम के कंपैरिजन में डिमांड का प्रोपोर्शन कम हो, लेस देन हो, मतलब जैसे बोल रहा था ना कि इनकम अगर 10% बढ़े तो डिमांड 10 नहीं, डिमांड सिर्फ 7% बढ़ती हो उससे कम, या अगर इनकम अगर समझो 20% कम हो रही है तो उसके सामने डिमांड जो है वो ये कितने 12% कम हो जाती हो इनकम से कम, तो ऐसी सिचुएशन कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी। और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है, सही बात है ना। इसकी वैल्यू क्या कहलाती है? लेस देन 1, बराबर। आई बात समझ में? अब ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड के बाद दूसरा आता है, वो आता है नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। ये सिचुएशन ठीक है ना, पॉजिटिव के अंदर ये तीन टाइप है। अब दूसरा नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, सुनना ध्यान से, और ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना आपके जो है 3 मार्क या 5 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है,
ये पूरे तीनों टाइप समझाना है, इसलिए ध्यान से समझना। जैसे दूसरा टाइप नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, तो ये भी नाम से पता चलता है ना, नेगेटिव। पॉजिटिव में कैसा था? पॉजिटिव में कैसा था कि जिसमें अगर इनकम जितनी बढ़ती हो डिमांड भी बढ़े, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, इसे पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। लेकिन अगर उल्टी सिचुएशन हो कि जिसमें इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती हो, या इनकम कम होने पर डिमांड बढ़ जाती हो, तो वो सिचुएशन या वो टाइप कहलाता है नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, कि जिसमें डिमांड के ऊपर इनकम की नेगेटिव इफेक्ट होती हो। इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम हो तो डिमांड बढ़ती जाएगी, इसे नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ओके, तो नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड ये कब आता है, ये कौन सी चीज़ों में आता है जनरली? ये नेगेटिव कैसे होगा? अगर कोई चीज़ की इनकम अगर बढ़ेगी, या किसी की भी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी ना। आपकी अगर इनकम बढ़े तो आप चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे कि कम खरीदोगे? ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगोगे ना, मतलब रिलेशन तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ये नेगेटिव रिलेशन कब आता है, नेगेटिव क्यों आता है, ऐसी कौन सी सिचुएशन कि जिसमें इनकम बढ़ने से हम लोग चीज़ें कम खरीदें या तो फिर डिमांड कम हो जाएगी? तो ऐसा नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड ये किस में आता है? तो ये सिचुएशन मोस्टली गिनी जाती है गिफन गुड्स में। नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? तो गिफन गुड्स, याद आ रहा है? गिफन गुड्स हमने इसी चैप्टर में आगे पढ़ा था। गिफन गुड्स मतलब वो गुड्स कहलाते हैं कि जिसमें जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती हो ना, तो वो चीज़ें वो ज़्यादा नहीं खरीदता, लेकिन उसकी खरीदी या उसकी परचेसिंग डिमांड कम कर देता है वो। तो ऐसे गुड्स गिफन गुड्स कहलाते हैं, जिनमें जनरली आते हैं ज्वार बाजरी जैसे जो है ये क्रॉप्स, कि जब आपकी इनकम कम हो ना, जब आपकी इनकम अगर कम हो तो आप जनरली लो प्राइस वाले ज्वार बाजरी और इसका आटा खाओगे। लेकिन अगर इनकम बढ़ेगी तो इन चीज़ों का ये आटा आप लोग ज़्यादा नहीं खाओगे, उल्टा इन चीज़ों की जगह पर आप लोग क्या यूज़ करोगे, तो इसकी जगह पर आप लोग वीट यूज़ करोगे, है कि नहीं? या गिफन गुड्स या दूसरे भी इनकी तरह ही सेम एग्जांपल अगर दूँ कि आप जनरली आप लोगों की अगर इनकम कम हो तो आप जैसे अगर कपड़े भी पहनते हो, कोई पर्टिकुलर अगर शर्ट भी पहन रहे हो, तो वो शर्ट भी एक नॉर्मल शर्ट आप पहन रहे हो अगर इनकम कम है तो। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो क्या वो नॉर्मल शर्ट ही ज़्यादा पहनोगे, वही ज़्यादा खरीदोगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं? आप क्या करोगे पता है, कि भाई वो नॉर्मल शर्ट की जगह अब मैं एक काम करूँ, अब मैं मॉल से जो है वही अच्छी क्वालिटी की शर्ट खरीदूँ, अब ये नॉर्मल शर्ट नहीं खरीदूँगा नॉर्मल शॉप से, नहीं अब मैं मॉल से ज़्यादा खरीदूँगा। तो इनकम बढ़ने से उस चीज़ों की डिमांड कम हो गई ना, दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ी, सही बात कि नहीं? तो इस सिचुएशन को नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं, समझ रहे हो? नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, ऐसी सिचुएशन कि जिसमें आपकी इनकम बढ़े ना, तो उन चीज़ों की डिमांड नहीं बढ़ेगी, उल्टा उन चीज़ों की डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये नेगेटिव सिचुएशन। आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों में ये नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड देखने को मिलती होगी आपके घर में ही, और काफ़ी चीज़ों में पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड भी देखने को मिलती होगी। आपकी इनकम अगर धीरे धीरे बढ़ती है तो आप लोग कितनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हो। जैसे सब्जियों की बात करें, डेली यूज़ की अगर चीज़ें कहें, तो आपकी इनकम बढ़ती है तो ज़्यादा सब्जियाँ खरीदोगे कि चलो अब तो भाई थोड़ा ज़्यादा खाएँ, हेल्दी खाएँ, है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव कहलाया, इनकम बढ़ी तो आपकी डिमांड भी बढ़ी। जबकि नेगेटिव भी आता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो कितनी चीज़ें आप लोग खरीदना छोड़ देते हो, उसकी जगह पर दूसरी नई चीज़ें खरीदना शुरू करते हो, होता है ना ऐसा? क्या आपकी अगर इनकम बढ़ती है तो कोई पर्टिकुलर पहले जो पुराने सस्ते सामान खरीदते थे, अब उसे छोड़कर महंगे सामान खरीदने लगे, तो कुछ चीज़ें खरीदना छोड़ भी तो देते हो, तो वो नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहलाई ना।
और ऐसे ही तीसरा आखिरी टाइप जो आता है ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड मतलब इसको भी देखो नाम पढ़ के तो पता चलता है, ये सिचुएशन वो कहलाती है कि जब जब कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ती हो ना, तो इनकम बढ़ने के सामने डिमांड में कोई भी चेंज ना होता हो, इनकम बढ़े या कम हो डिमांड पे कुछ भी चेंज नहीं, उसे ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। मतलब अगर इनकम बढ़े तो भी आप उसकी चीज़ें ज़्यादा खरीदना शुरू नहीं करोगे या कम नहीं करोगे, और इनकम कम हो तो भी जितनी चीज़ें खरीदते हो उतनी खरीदोगे, ना कम खरीदोगे ना ज़्यादा खरीदोगे, है कि नहीं। इस सिचुएशन को ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं, बरोबर। ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड जनरली वो होती है जो डेली यूज़ की चीज़ें हो, डेली यूज़ की चीज़ें और एकदम लो प्राइस की चीज़ें हो, वो जैसे कि सोल्ट, मैच स्टिक, पेंस, जस्ट एप्लर पेंस, पोस्ट कार्ड, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड होती है। इसका एग्जांपल पहले भी दिया था, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या ज़्यादा सॉल्ट खरीदना शुरू कर दो, कि अब तो ज़्यादा नमक खाते हैं, इनकम बढ़ गई डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, उसकी डिमांड बढ़ाते हैं ज़्यादा नमक खाते हैं, ऐसा होता है नहीं। या इनकम कम हुई तो भी आप जो है भाई इनकम कम हो गई अपन नमक कम खाएंगे, पहले भी ये एग्जांपल दिया था, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इनकम बढ़े या कम हो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसे ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ऐसे ही मैच स्टिक, माचिस की तीली या कुछ, इन चीज़ों के ऊपर कुछ भी इफेक्ट होता नहीं है, है कि नहीं। तो देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में उनकी ये तीन डिग्रीज आती हैं, तीन टाइप्स, ध्यान से समझना, तीन टाइप से होते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड और ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड, ओके। तो ये जैसे हमने इनकम का इफेक्ट देखा ना, कल हमने प्राइस का इफेक्ट देखा था इसमें, कि प्राइस का डिमांड पे कैसे इफेक्ट होता है, फिर अब ये इनकम का इफेक्ट देखा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ऐसे ही दूसरा आखिरी इफेक्ट देखें, जो इफेक्ट आएगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक आता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, छोटा सा टॉपिक है सिर्फ, कोई टाइप्स नहीं कोई नहीं, सिर्फ ये एक डेफिनेशन, लेकिन बहुत ध्यान से समझना ये पॉइंट। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मतलब ये कहलाती है कि जैसे डेफिनेशन में दिया हुआ है कि व्हेन द डिमांड ऑफ कंसर्न कॉमोडिटी चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देन द एक्सटेंट ऑफ सच चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि जब कोई कॉमोडिटी के सामने, कोई भी थिंग के सामने उसके रिलेटेड गुड्स, उनके रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर कोई प्राइस बदलता हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस अगर बदलते हो, तो उसके कंपैरिजन में उस चीज़ की डिमांड में जो चेंज आता है ना, जो मेन चीज़ की डिमांड में जो भी चेंज आता है, उस चेंज को हम लोग कहते हैं कितने हद तक चेंज हुआ, उस चेंज को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्लियर। अब समझो, अब पहले जो है भैया कुछ पॉइंट रिवाइज करें और इसे डिटेल में समझें। तो सबसे पहले देखो रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये समझे कि इसका डिमांड के ऊपर कितना इफेक्ट होता है, ये भी हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में समझा था कि इन दोनों चीज़ों का डिमांड पे काफ़ी इफेक्ट होता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या कहलाते हैं, इसका मतलब वो चीज़ है कि जो आप लोग कोई चीज़ के बदले में यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमने समझा था, वो था टी एंड कॉफ़ी, बरोबर ना, टी एंड कॉफ़ी, कि चाय की जगह पर जो है ये कॉफ़ी चल जाएगी, ये सब्स्टिट्यूट कहलाया, पेट्रोल की जगह सीएनजी, कोकोनट वाटर की जगह कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब क्या कहलाया, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि एक चीज़ ना मिली तो उसकी जगह पर दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूट। और दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कि जो चीज़ उसके साथ में ही यूज़ होती हो, उसके साथ में ही, मतलब एक चीज़ यूज़ होगी तो उसके साथ दूसरी भी यूज़ होगी ही, उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं
टू व्हीलर्स या बाइक या कोई भी तरह के व्हीकल्स एंड पेट्रोल, कि अगर व्हीकल्स ज़्यादा चलेंगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा चलेगा, है ना। व्हीकल्स ज़्यादा बिकेंगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा बिकेगा, फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ना। या जैसे मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि जितने ज़्यादा अगर मोबाइल बिकेंगे उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो सिम कार्ड की डिमांड भी ज़्यादा होगी, है ना। तो देखो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दूसरी चीज़ों की डिमांड पे असर पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड का कैसा इफेक्ट होता है, तो चाय और कॉफ़ी के बारे में अगर हमने बताया कि अगर समझो आप रेगुलरली टी पीते हो, चाय पे अगर पीते हो, और अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है, चाय का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके कंपैरिजन में लोग चाय पीना कम कर देंगे और उसका सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी पीना ज़्यादा शुरू कर देंगे। मतलब अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी ना तो सामने कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, है ना। क्योंकि चाय की प्राइस अगर बढ़ेगी तो चाय की डिमांड कम होती जाएगी, वो कम पीने लगेंगे, और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी तो वो ज़्यादा पीने लगेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी ऐसा ही इफ़ेक्ट पड़ता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड, तो अगर ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लोग यूज़ करेंगे तो उसके साथ ही सिम कार्ड का यूज़ भी ज़्यादा होगा, और अगर मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम होगा तो उसके कंपैरिजन में सिम कार्ड का यूज़ भी कम होगा, ऐसा ना। मतलब ये भी चीज़ों की डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, और कितनी हद तक इफ़ेक्ट करता है वो अगर मैथमेटिकली या नंबर वाइज अगर आप फाइंड करो तो उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आया क्लियर? तो आज जैसे हमने इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर कंप्लीट किया ना, डिमांड का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट किया, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इकोनॉमिक्स के दो मेन पिलर कहलाते हैं, दो मेन थिंग्स कहलाती है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों मेन थिंग्स। तो आज हमने डिमांड के बारे में जो है ये चैप्टर कंप्लीट किया, ऐसे ही अब इसका दूसरा चैप्टर सप्लाई के बारे में और इकोनॉमिक्स के भी दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।